कहते हैं टेक्नोलॉजी का दौर है, जो इस टेक्नोलॉजी के साथ चलता है वो आगे बढ़ता है, जो इसके साथ नहीं चल पाता है वो पीछे रह जाता है। लेकिन समय के साथ टेक्नोलॉजी भी सस्ती हो रही है। पहले जो 5,000 का था वो आज 2,000 में मिलता है, पहले जो 25,000 का था वो 18 में मिलता है, और पहले जो 12,000 का था वो 6-7 हज़ार रुपये में मिल जाता है। आज मैं बात करने वाला हूँ एम्पलीफायर की। आज का एम्पलीफायर रहेगा हमारा एक्सपो कंपनी का, 110 वॉट। अब आप कहेंगे कि आपने बहुत सारे वीडियोस किए हुए हैं, ये छोटा एम्पलीफायर कैसे दिखा रहे हैं, अजीब सा है। लेकिन इस 110 वॉट के एक एम्पलीफायर ने डबल 12 इंच का पेयर बजा दिया, 100-100 वॉट के चार स्पीकर बजा दिए इस 110 वॉट के एम्पलीफायर ने। मेरे लिए तो हैरानी की बात थी, लेकिन जिस कस्टमर को मैंने 3 साल पहले दिया था उसने अभी तक वही चलाया। उस पे आप SRX 250 तो जानते ही होंगे, वो वाले दो स्पीकर्स, दो कैबिनेट्स कंप्लीट, वो 110 वॉट का एम्पलीफायर चला रहा है, तो अजीब सी बात तो हुई। इसीलिए इसको आज के वीडियो में रिव्यू करने का मैंने सोचा है। इसका अनबॉक्सिंग देखते हैं, इसको चेक करते हैं। इसके अंदर यूएसबी है, ब्लूटूथ है, इम्पोर्टेड किट लगा हुआ है, वो भी सब देखते हैं। लेकिन पहले सब्सक्राइब तो कर लीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कीजिए, ऐसे कैसे चलेगा। अब आपकी बारी है, मैं तो अपना काम कर ही रहा हूँ। और अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो नियरेस्ट डीलर से भी ले सकते हैं, या तो आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मुझसे कांटेक्ट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना फेसबुक का लिंक दे रखा है, वहाँ क्लिक करने से आप फेसबुक पेज पे आएंगे, वहाँ से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली। विलंब नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आप लोग तो जानते हैं कि जनरली मैं इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूं, या तो फिर इंडियन प्रोडक्ट्स जो कि बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी के होते हैं, ये उनमें से एक है, क्योंकि मैं इसे कई सालों से बेच रहा हूं। एक्सपीरियंस मेरा आज तक का बहुत अच्छा रहा है, कंप्लेंट्स इसमें मैंने आज तक कोई फेस ही नहीं करी है, तो इसीलिए मैंने आपके सामने इसको रखा है। अच्छी बात है अगर आप इसे लेना चाहते हैं। इसका चार चार का पैकेजिंग आता है डीलर का, वैसे आप इसे सिंगल भी परचेस कर सकते हैं। लगभग 10 किलो का इसका वेट है, वेट 110 वॉट के एम्पलीफायर के हिसाब से काफी है। पैकेजिंग अच्छी दे रखी कंपनी ने, पॉलिथीन भी लगा है, थर्माकोल भी है। इस एम्पलीफायर की एक बहुत अच्छी बात जो मुझे लगी थी, जो कंपनी ने मुझे 3 साल पहले बताई थी, वो ये थी कि इन्होंने पावर कॉर्ड इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया है। ये काफ़ी सारे आइटम्स इसके साथ आते हैं, ये गारंटी कार्ड है, ये रिमोट है, और ये पावर कॉर्ड है। ये कैसे लगेगा मैं आपको आगे के वीडियो में बता रहा हूँ। ये ओवरऑल इसका लुक है, आइए सामने से देखते हैं। ये रिमोट कंट्रोल, ये गारंटी कार्ड, ये पावर कॉर्ड, और ये रहा हमारा एम्पलीफायर। सो गाइस, दिस हैपन्स टू बी एक्सपो यूएसबी 1100। ये 110 वॉट का एम्पलीफायर है, मास्टर वॉल्यूम कंट्रोल, बास, ट्रबल और मिड का ऑप्शन भी इसमें है। 5 माइक तक आप लगा सकते हैं, 2 ऑक्सिलरी दिए हुए हैं, तीसरा ऑक्सिलरी आरसी पिन वाला दिया हुआ है, साथ ही साथ यूएसबी ब्लूटूथ का पैनल भी अटैच कर रखा है। कॉमन 4 ओम्स 8 ओम्स दे रखा है, 100 वोल्ट लाइन मैचिंग भी है, ये ऑन ऑफ स्विच है, ये इंडिकेटर्स हैं ऑन का, और ये लाइटिंग इंडिकेटर्स पीक वैल्यू के लिए या पीक वॉल्यूम के लिए, ये ओवरलोड का लाइट है, ये यूएसबी पैनल है जो काफी अच्छा दिख रहा है, ब्लूटूथ वाला है। जनरली आपको ये पैनल्स इंडियन एम्पलीफायर में नहीं मिलते हैं, लेकिन इनका रिसर्च अच्छा दिख रहा है। चेसी भी आप देख सकते हैं, थोड़ा नजदीक लेता हूं, क्योंकि मेन तो आइटम चेसी होती है कि कहीं
टेढ़ी ना हो जाए या टाइमिंग उसके ऊपर जंग ना लग जाए, लेकिन अच्छी दिख रही है क्वालिटी। ये हीट सिंक है क्योंकि इसमें मॉसफेट लगते हैं, तो ये अंदर ही दिखेंगे आपको, बाहर वाले ट्रांजिस्टर वाला नहीं है, ओल्ड मॉडल नहीं है, नया है। कॉमन 4 ओम्स, ऑक्स 1, ऑक्स 2, लाइन इन लाइन आउट सभी कुछ दिख रहा है। इसमें 110 होने के बावजूद भी ओवरलोड स्विच है, 24 वोल्ट बैटरी पे चलता है और ये पावर कॉर्ड है। सबसे अच्छी बात यही है कि इसमें केबल अंदर से घुसेड़ा हुआ नहीं है, अलग से लगता है। ये इसका ओवरऑल पूरा लुक एम्पलीफायर का। तो ये बैक साइड है इसकी, ये पावर कॉर्ड मैंने ले लिया, इसे ओपन कर दिया, लगाने का तरीका देख लीजिए एक बार। इसे खोल लेता हूं मैं। क्या है कि ये पावर कॉर्ड लगाने वाला सिस्टम सिर्फ पावर एम्पलीफायर में ही मिलता है, लेकिन इंडियन एम्पलीफायर में इन्होंने स्टार्ट कर दिया है। इससे पावर केबल का अगर प्रॉब्लम आता है तो फट करके फेंक दीजिए, नया लगा दीजिए। और इसमें पीछे फ्यूज भी दे रखा है, ये फ्यूज दिखेगा आपको यहां से, ये फ्यूज दिख रहे हैं, एक एक्स्ट्रा भी डाला हुआ है। कंपनी चाहती है कि आप हैंडी रहें, कभी भी आपको किसी भी चीज की समस्या आ जाए तो हाथों हाथ आपको ऑप्शन मिल जाए। टेस्टिंग करते हैं, इसे एक बार कनेक्ट कर लेते हैं और आप हेडफोन लगा लीजिएगा आपके, ताकि आप इसकी क्वालिटी समझ सके। कॉमन 4 ओम्स पे मैं डबल 12 इंच इसको एक बॉक्स कनेक्ट करने वाला हूं। मंदिर, मस्जिद, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, चर्च और बाकी सारी जगह जहां पे आपको इंस्टॉलेशंस करने हैं, ये वहां पे काम में आएगा। और छोटा मोटा प्रोग्राम अगर आप कंडक्ट करना चाहते हैं डबल 12 इंच का पेयर लगा के, तो बिल्कुल इसे आप आराम से इस्तेमाल कीजिए। टेस्टिंग सुनिए। हेलो माइक चेक, हेलो 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 माइक चेक, हेलो हेलो माइक टेस्ट, हेलो हेलो हेलो। यहाँ देख सकते हैं वॉल्यूम 2 पे रखा हुआ है माइक का और मास्टर वॉल्यूम 3 पे है। डबल 12 इंच का पेयर, डबल 12 इंच का एक बॉक्स लगा हुआ है और इतना वॉल्यूम खोल रखा है मैंने कि मास्टर 3 पे है, माइक का वॉल्यूम 2 पे है, यानी कि इसका वॉल्यूम खोलने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी डुअल 12 लगाने के बाद भी। और वॉइस सुन के आप लोग भी समझ सकते हैं कि बहुत ही अच्छा क्लियर साउंड आ रहा है। हेलो माइक चेक 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 चेक, ये देखिए, ये जो चेक वर्ड मैं बोल रहा हूँ वो एकदम ही क्लियरली आप लोग भी समझ सकते हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी आ रही है। इस टाइप की क्वालिटी सुन के मज़ा आ जाता है। यहाँ से अभी आप लोग देख रहे हैं इसका यूएसबी पैनल है, मैं इसका फ्रंट वाला व्यू भी दे देता हूं आपको। इसमें मोड का बटन है, ये आपको दबाना होगा तब इसका ये वाला पैनल स्टार्ट कर देगा काम करना। अभी पहले ये एफएम पे सेट है, मैं फिर से इसका मोड दबाता हूं ताकि ये ब्लूटूथ पे आए। आप इनकेस ब्लूटूथ पे ना चला रहे हो तो टीएफ कार्ड या यूएसबी भी लगा सकते हैं। उसके बाद यहां से ब्लूटूथ ऑन होने के बाद ये निकाला मैंने अपना फोन, इसमें मैंने अपना ब्लूटूथ ऑन कर दिया। उसके बाद ब्लूटूथ डिवाइसेस में यहां पे स्कैन होता है, यहां पे वायर नाम का आएगा ऑप्शन, वायर नाम का ऑप्शन इस ब्लूटूथ का नाम है, उस पर आप कनेक्ट करेंगे। ये कनेक्ट होने के बाद यहां पे आपको वायर दिख रहा है, ये देखिए वॉल्यूम आप इससे बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। और क्योंकि ये वीडियो मैं नहीं चाहता कि कॉपीराइट में अटके, तो इसलिए मैं नेट ऑन करके इस पे नॉन कॉपीराइट वाला कोई सॉन्ग बजाता हूं। वॉल्यूम 2 और 3 से ऊपर नहीं जा रहा है।
इतने पे इतना वॉल्यूम, इतने पे इतना वॉइस हो जा रहा है। ये ट्रबल, ट्रबल मैंने फुल को दिया है, ये मिड का ऑप्शन है। ये बेस का ऑप्शन है। वॉइस काफी काफी अच्छी वॉइस आ रही है इसमें। जनरली क्या हो रहा है कि जब मैं इसका बेस बढ़ा रहा हूँ ना, तो मुझे ये डर लग रहा है कि मेरा डबल 12 इंच पे प्रेशर ना बढ़े, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल दिख रहा है। हालांकि 110 वॉट दिया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से ये डबल 12 इंच का भी पेयर बजा लेगा, यानी 100 वॉट्स की चार स्पीकर भी ये बजा लेगा। लेकिन देखिए, मैं ये आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ चार स्पीकर के लिए, लेकिन ये मुझे बताया कि बजा लेगा। मैं रिकमेंड करूँगा इसके लिए दो स्पीकर, दो यूनिट या दो चोंगे जिसको बोलते हैं लोग। है ना, क्वालिटी वाकई अच्छी, इसीलिए मैं इस एम्पलीफायर को रिव्यू कर रहा हूँ। 110 वॉट में इतना सारा आउटपुट मिल रहा है, ऐसी क्वालिटी मिल रही है। मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप लोग इसको इंस्टॉलेशन में यूज़ करते हैं तो आप एकदम सुखी हो जाएंगे, इसको लगा के भूल जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। मंदिरों के लिए सूटेबल है, जो लोग सिंगिंग करते हैं घर में या कोई छोटा मोटा फंक्शन होता है उसमें आप इसे लगा सकते हैं। इंस्टॉलेशन में, मेट्रोज में, बस स्टैंड्स, इसमें भी ये बहुत ज़्यादा चलता है, रेलवे स्टेशन वगैरह में, तो आप इसे वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं। स्पेशली इंस्टॉलेशन का मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसमें 100 वोल्ट लाइन मैचिंग आउटपुट दे रखा है, वो सबसे ज़्यादा काम आता है। और क्योंकि ये बजट ओरिएंटेड है तो आपका अगर कोटेशन कहीं दे रहे हैं तो सबसे कम में तो यही बैठेगा आपको। खैर, कम की बात नहीं करते हैं, क्वालिटी की बात करते हैं। क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, मैं 5 में से 4 पॉइंट्स इसको दूंगा, जो कि अच्छे से भी अच्छा माना जाता है। बाकी आप लोगों पे छोड़ता हूँ, आप क्वालिटी सुन के आप मुझे बताइएगा आपको ये कैसा लगा एम्पलीफायर, कमेंट्स कीजिएगा, और साथ ही साथ आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू गाइस।